हमारे साथ शेयर बाजार एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुआवाला, उनसे बात करते। कुआवाला जी, जिस तरह का बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है, बाजार ने इनिशियली नेगेटिव रिएक्शन दिया था, लेकिन अब करीब धीरे धीरे रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। जी, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव है। STCG 15 से 20% बढ़ गया, LTCG 10 से 12.5%, बायबैक ऑफ शेयर पे पहले टैक्सेशन नहीं था वहाँ आ गया, बॉन्ड्स पे पहले परचेज ऑफ पे टैक्स नहीं था वहाँ आ गया, और STT FNO पे थोड़ा टैक्स बढ़ा है, उसका आप बाज़ार पे असर देख रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा बाज़ार अभी नेगेटिव है। लेकिन क्या ये 2047 का जो लक्ष्य लेके सरकार चल रही है मौजूदा, उस लिहाज से अगर देखें तो ये जो आज प्रावधान किए गए, जो अनाउंसमेंट किए गए, क्या ये उस रोड मैप के हिसाब से बजट है? अगर हम देखें ग्रोथ को देखें तो एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एनर्जी, यूथ डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिससे देश का, लोगों का विकास होता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने टच किया है। इवन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50 से 75 बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों की उसकी थोड़ी रियायत मिलेगी। तो ग्रोथ ओरिएंटेड, ग्रोथ फोकस बजट है। टेम्पररी ये जो टैक्सेशन लगा है स्टॉक इन्वेस्टमेंट पे, अर्न LTCG STCG, उसका आप असर देखोगे, बट ओवरऑल ये बजट देश की ग्रोथ को एक डायरेक्शन जरूर दे रहा है। आप कह रहे कि देश के विकास के लिहाज से एक ज़रूर डायरेक्शन मिल रहा है, खास तौर पे हम बात करें कृषि की, और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था, उस लिहाज से जो प्रावधान किए गए, तो लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट होने वाला है स्पेशली कृषि को लेकर? बिल्कुल, वहाँ भी टेक्नोलॉजी को इंसेंटिवाइज किया है, क्लाइमेट प्रूफ सीड्स और उसका एक इंसेंटिवाइज किया है, नेचुरल फार्मिंग को इंसेंटिवाइज किया गया है, तो एग्रीकल्चर को भी अच्छे से टच किया है, और उसके लिए बड़ा प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है, और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी देश के विकास के लिए। सरकार ने जिस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है इस बजट में भी, उससे आप किस तरह से देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 11.11 लाख करोड़ काफ़ी बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट होता है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा होगा, जगह जगह रोड्स, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी बेसिक इंफ्रा की ज़रूरतें हैं, ये बजट में जो प्रावधान किया उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। एक आखिरी सवाल मेरा, 10 में से फिर कितने नंबर देंगे आप इस बजट को? मैं 10 में से 6 दूंगा। लगता है आपका दर्द झलक रहा है शेयर मार्केट के जुड़े होने की वजह से? बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टर होने के लिए थोड़ा इन्वेस्टर पे हमको सिंपैथी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये थे सिद्धार्थ कुआवाला, इनका साफ तौर पे कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से, आम लोगों के लिहाज से बजट बहुत अच्छा है, लेकिन शेयर बाजार और इन्वेस्टर होने के नाते उन्हें इस बजट से थोड़ी निराशा जरूर हुई है। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया TV, मुंबई।